दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण और मेरे चैनल टूर इंसाइड इंडिया पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको लेके आया हूं उदयपुर के गुलाब बाग जो पार्क है उसमें लेके आया हूं, और इसमें ही गुलाब बाग एक बर्ड पार्क है उसमें मैं आपको लेकर चलूँगा। ये वीडियो बहुत शानदार ज़बरदस्त होने वाला है। एक टॉय ट्रेन है उसका भी मैं आपको दिखाऊँगा, कुछ व्यूज आप उसके भी मैं दिखाऊँगा। और ये बर्ड पार्क बहुत शानदार है। एक मिट्टू मियाँ हैं वो बोलते हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अब हम चलते हैं इस बर्ड पार्क में। तो दोस्तों, आप ये देख रहे हो गुलाब बाग उदयपुर में स्थित चिड़ियाघर, और इस चिड़ियाघर की स्थापना 1878 में मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा सज्जन सिंह ने करवाया था। और वो पक्षियों के और पेड़ पौधों के बहुत दिल के नज़दीक थे उनके, इसलिए उन्होंने इसका निर्माण करवाया। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान भी है, और जो गुलाब बाग जो पार्क है वो राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है। इसमें ये चिड़ियाघर बना हुआ है। दोस्तों, ये देख रहे हो आप, इसमें ये एमू जिसको ऑस्ट्रिच कहते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया से लाया गया हुआ ऑस्ट्रिच है। ये बहुत बड़ा एमू है, और ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा है। और ये एक आदमी को आराम से, एक आदमी का वजन आराम से झेल सकता है, और इसको लेके आराम से भाग सकता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर इसको गुस्सा आ जाए तो ये आदमी को भी मार सकता है। इसकी चोंच बहुत मजबूत होती है जो आसानी से पत्थर को भी तोड़ देती है, और ये पत्थर को भी पचा जाता है। इसका पेट में भी इतना मजबूती से इतना एसिड बनता है जिससे पेट ये पचा जाता है। सामने आप ये सफ़ेद हंसों का जोड़ा देख रहे हो, और ये वही ऑस्ट्रिच है जो उधर से आपने पहले देखा था। ये घूम रहा है, दौड़ रहा है, और ये पार्क के मज़े ले रहा है। दोस्तों, इसमें पार्क में आने के 25 रुपये फीस है। आप 25 रुपये में आप एंट्री कर सकते हो और घूम सकते हो उस पार्क को। और इसमें बहुत सारे और भी कई जानवर हैं, लव बर्ड है, बहुत सारे तोते हैं, बहुत सारे ऐसे ही पक्षी है यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, इसमें बोलने वाला जो तोता मिट्ठू मियाँ है वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों उदयपुर वाली जो सीरीज है अगर आपने नहीं देखी है और ये चल रही है तो आई बटन में आप देख सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, रेबिट जिनको खरगोश कहते हैं, ये भी यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पशु पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। आप यहाँ आइए, आनंद लीजिए, बहुत अच्छा मज़ा आता है। दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये हैं मिट्ठू मियाँ, आप इनसे मिलिए। मिट्टू, ओ मिट्टू, क्या ले, क्या ले, ओ मिट्टू, मिट्टू, ओ मिट्टू, मिट्टू, मिट्टू। तो दोस्तों, आपने देखा जो मिट्ठू मियाँ थे, मेरी बातों का रिप्लाई कर रहे थे। ये सामने टॉय ट्रेन आप देख रहे हो। क्या ज़बरदस्त आप ये ट्रेन देख रहे हो, इसमें बच्चे और बूढ़े सभी बैठ सकते हैं। दोस्तों, इसका टिकट
₹100 बताया है, और ये पूरे पार्क का आपको जो 500 एकड़ में फैला हुआ है पूरे पार्क का भ्रमण करवाएगी। और ये जो गुलाब पार्क है इसका निर्माण महाराजा सज्जन सिंह ने 1850 में करवाया था, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है। और जो चिड़ियाघर है वो सुबह 8 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंद होता है, और ये पार्क सुबह जल्दी खुल जाता है और शाम को लेट तक खुला रहता है। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, इसमें विक्टोरिया महल है वो भी देखने को मिलेगा, और ये सामने आप देख रहे हो वो है नवलखा सांस्कृतिक केंद्र, यहाँ एक लाइब्रेरी है वो भी आप देख सकते हो, और ये सामने वो विक्टोरिया महल है जो आजकल म्यूजियम के तौर पे है लेकिन आज वो बंद है, इसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा। और ये इस गुलाब पार्क का आप बहुत शानदार दृश्य आप देखोगे, यहाँ बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, बहुत ही सारे बड़े बड़े वृक्ष हैं, और ये उदयपुर सिटी के बीच में एक बहुत शानदार ज़बरदस्त उद्यान आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा, आपने देखा ये पूरा बर्ड पार्क, और इसमें मैंने आपको दिखाया जो मिट्टू बोलता है वो भी, और बहुत बड़ा एमओ शुतुरमुर्ग भी आपको मैंने दिखाया। उदयपुर वाली इस सीरीज का ये पार्ट है, और उदयपुर वाली सीरीज देखने के लिए आप आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से आप सीरीज में जा सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।